आईपीएल पर सट्टे का कारोबार कर रहे तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में दो आरोपी सरहदी जिले कटनी के बताए जा रहे हैं। इन आरोपियों के पास से लैपटॉप, दर्जन भर से अधिक मोबाइल, 9000 नकदी और कार सहित करीब 10 लाख से अधिक का मशरूका जब्त किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पाली पुलिस ने सोमवार की रात ब्लॉक ऑफिस के सामने स्थानीय वार्ड नंबर 12 निवासी राजकुमार उर्फ बिक्की के मकान में दबिश दी थी। इस रेड में स्थानीय आरोपी की निशानदेही पर कटनी निवासी उमेश गिडवानी और विकास पिपलानी को अवैध कारोबार में शामिल पाया गया। इसके बाद इन आरोपियों के विरुद्ध सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ये निरंतर सूचना प्राप्त हो रही थी कि ये मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन आईपीएल पर सट्टा लगाया जा रहा है, जिस पर पुलिस अधीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिन्हा सर के द्वारा त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था। उसी के तारतम्य में ये रेड की कार्रवाई की गई थी, जिसमें बिक्की जो है यहाँ पर उसके यहाँ पर छापामार कार्रवाई की गई थी एवं इसमें चार लोगों को सट्टा खेलते हुए ऑनलाइन केकेआर और आरसीबी पर इनके द्वारा सट्टा लगाया गया था, इन चारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों से एक लैपटॉप, 8 मोबाइल, एक कीपैड, 9000 रुपये, एक गाड़ी, कुल मशरूका 10,71,000 रुपये जब्त किया गया और इसमें आगे भी विवेचना की जा रही है।